दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज वसई में एक चर्चित शख्सियत मुफ्ती सलमान अजहरी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरे देश भर में हजारों बल्कि करोड़ों लोग सलमान साहब के फॉलोअर्स हैं और मुस्लिम समाज के एक बड़े रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, इनका वसई में आज दौरा हुआ। वसई में दौरे के दरमियान में कैजियन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय में पधारे। यहाँ पे आने के बाद में उनका स्वागत किया गया, खैर मकदम किया गया। वैसे उनका एक दौरा हुआ, उनके दौरे के बारे में क्या कुछ कैजियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का कुछ कहना है वो सुनिए आप आगे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज यहाँ आए थे आपके कार्यालय में, क्या प्रसंग था बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कल्लन खान, मैं केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। हमारे बीच में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आए थे और उन्होंने ऑफिस के अंदर माशाल्लाह दुआ पढ़ी, दुआ खानी हुई और सबको दुआ दी। कम वक्त था जिसके हिसाब से ज़्यादा वक्त दे नहीं पाए और कहीं का दौरा था, उस दौरे में हम पहुँचे और उनको केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में लेके आए और यहाँ पे दुआ हुई, सलाम हुआ और उसके बाद में वो चले गए। मुफ्ती साहब की कोई विशेष यहाँ यात्रा थी या वो सिर्फ आपके बुलाव पर यहाँ निजी तौर पर आए थे? विशेष यात्रा तो ऐसी है कि हमारी जामा मस्जिद में इमाम साहब की हैसियत से भी रह के गए और माशाल्लाह दीनदयाल नगर में सब बच्चे उनको बहुत याद भी करते हैं और हमारे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सब लोग बहुत जुड़ गए हैं और जब माशाल्लाह वो आते हैं वसई में आते हैं तो उनको हम सब लोगों से भी बहुत मोहब्बत है और हम लोग को मालूम पड़ जाता है, तो जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के पहुँचते हैं और उनसे दुआ के लिए बोलते हैं। सर आप बताइए, मुफ्ती साहब जो है वो देश भर में फेमस है और जाने जाते हैं, एक बड़े उलमा के रूप में जाने जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुफ्ती सलमान साहब, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शकील खान है, मैं केजीएन सोशल वेलफेयर का एक मेंबर हूँ। मौलाना सलमान मुफ्ती साहब जो हैं हमारे हैं, ये पहले जामा मस्जिद मानिकपुर में इमामत कर चुके हैं और ये इनकी पढ़ाई जो है इजिप्ट में हुई है और दीन के काफ़ी जानकार हैं और पूरी दुनिया में जो है उनको सुना जाता है और इस वक्त जो है हालात है उस हालात के ऊपर वो बोलते भी हैं। पूरी दुनिया उनको दीन के मामले में बहुत बारीकी से उनको सुनती है और हमारे कौम, हमारी जो कौम है उसके इस वक्त वो रहनुमा हैं। तो हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको दिल से पसंद करते हैं। हमारी उम्मीद है कि हजरत हमारी कौम को एक सही दिशा और एक सही रास्ता दिखाएं, ऐसी हम दुआ करते हैं हजरत के लिए। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।